नमस्कार। आज के श्रम समाचार में प्रमुख एक समाचार है, संविदा पर या अनुबंध पर कार्य करने वाली महिलाओं के ऊपर है। अब संविदा या नियोजन के आधार पर जो महिला कर्मचारी या बेल्ट्रान के माध्यम से, ये भी बेल्ट्रान बिहार सरकार की विभाग है, एजेंसी है, और ये बेल्ट्रान भी नियोजन पर संविदा के आधार पर दूसरे विभागों को कर्मी प्रदान करती। अब देखिए, जो भी नियोजित नियोजन के आधार यानी कॉन्ट्रैक्ट संविदा के आधार पर बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी महिलाएं थी, उनको 2 दिन का जो एक विशेष अवकाश मिलता है, महिलाओं को 2 दिन का विशेष अवकाश मिलता है, वो उनको बिहार में नहीं मिलता। 2002 में ये नियम भारत सरकार ने बनाया। स्वाभाविक है कि 2002 में जब भारत सरकार ने ये नियम बना दिया, बिहार में भी लागू हो गया, लेकिन आज 2002 में बना और आज 2023 है, आप देखें कि 11-12 बरस से उनको जो ये मिलने वाला हक था, वो हक विभाग ने नहीं दिया। अब ये महिलाओं, ये जो महिला नियोजन कॉन्ट्रैक्ट संविदा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आप जो भी कहें, यानी जो पूर्ण रूप से बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, अर्ध में हैं, तो इन महिलाओं को जो 2 दिन का विशेष अवकाश वो नहीं मिला। अब इधर क्या हुआ कि एक पूर्व मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने बिहार सरकार में ये पत्र लिखा कि जो संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको बिहार सरकार क्या 2 दिन का जो विशेष सुविधा अवकाश है वो मिलता है क्या? तो सरकार ने जवाब दिया कि हाँ, सरकार ने जवाब दिया हाँ, उनको विशेष सुविधा का अवकाश दिया गया है। अब आप देखिए, यही बिहार सरकार है, इन्हीं के विभाग में ये नहीं मिल रहा है, और 11 बरस से इस महिला कर्मचारी का हर महीना में 2 दिन का अवकाश ये बाबू या पदाधिकारी दबा दे रहे हैं। उसका ये जो संवैधानिक अधिकार, जो विभागीय अधिकार, जो भारत सरकार ने अधिकार दिया, आईएलओ ने जो अधिकार दिया, उसको ये दबा दिए। अब ये विधानसभा में ये विषय आया तो बिहार सरकार ने कहा कि हाँ, ये प्रावधान किया गया है, यानी यहां शब्द का भी प्रयोग जरा बहुत ही बचते बचाते हुए प्रयोग है, यानी अब से सरकार जो भी नियम बनाती है। मैं इस विषय को इसलिए रखा कि श्रम जगत में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जो भी विषय बनता है, जो एक्ट बनता है, जो नियम कानून लाया जाता है, उसको जमीन पर आने में एक लंबा समय लग जाता है। अब देखिए, 2002 में बना, महिला कर्मियों के लिए बना, और आज 2023 है, इतने वर्षों के बाद, 11-12 वर्षों के बाद अब उनके ऊपर ये नियम लागू होगा। मित्रों, इस तरह का जैसे मातृत्व वाला है, महिला कर्मी में मातृत्व, अगर बच्चे होते हैं तो उस दरमियान 6 महीना का अवकाश, लेकिन
इसमें सबसे बड़ा बाधक है उनके बाबू होते हैं, वहां छोटे पदाधिकारी होते हैं जो इन महिला कर्मियों के 6 महीना के अवकाश भी वो नहीं देंगे, बच्चा होने के बाद मातृत्व अवकाश जिसे कहते हैं उनको देने में लगता है कि हम अपने घर से दे रहे हैं। तो आप समझें 2002 में जो सरकार ने मांग दिया महिला कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट में है, और भारत सरकार का ये भी नियम है कि वो सरकारी कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट स्तर पर कर्मचारी हो उनको समान सुविधा मिलेगी। ये स्पष्ट अंतर है। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।